दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, एक फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों दुनिया में कौन कितना खूबसूरत है ये बात कौन डिसाइड करता है? कैसे किसी को बहुत खूबसूरत कहा जाता है तो वहीं किसी को लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए जिस लड़की को एक देश में खूबसूरत समझा जाता है ना, वहीं दूसरे देश में उसे भाव नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी मान्यताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद भाई आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता चलेगा सुंदरता के क्या क्या मायने हैं अलग अलग देशों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है? आ जाओ शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी बात सुंदरता की होती है तो ऐसे में भारतीय महिलाएं कहां पीछे हटने वाली है, हम आपको अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं की खूबसूरती के बारे में बताते हैं, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पर कैसे महिलाओं ने अपनी नोज पर दो बड़े से मार्क बनाए हुए हैं। इनको देखकर कोई भी कह दे यार ये तो बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये अजीब से आपके लिए है, वहाँ के लिए नहीं है। अब ये देखिए कैसे एक मार्क इनके सर से शुरू हुआ और इनकी नोज तक आता है। ये दो बड़े बड़े मार्क बहुत ही खतरनाक आपको लग सकते हैं, लेकिन ये यहाँ की महिलाओं की सुंदरता की निशानी है। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं अपने आप को हद से ज्यादा खूबसूरत मानती हैं। जिनके पास जितना बड़ा नोज मार्क होगा ना वो उतना ज्यादा सुंदर माना जाएगा। ये देखकर वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। मैं आपको बता दूं यहाँ की महिलाओं का ऐसा मानना है कि अक्सर दूसरे ट्राइब के लोग यहाँ पर आकर इन महिलाओं को किडनैप कर लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि ये हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। कहते हैं 10 साल की उम्र में ही इनकी नोज पर ये दो मार्किंग कर दी जाती है, वो भी इसलिए क्योंकि इनकी ब्यूटी इनकी पहचान है। देखिए मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव से, किस शहर से, कॉमेंट में लिखिए। दोस्तों जब भी सुंदरता की बात होती है तो ऐसे में मुर्सी ट्राइब का नाम ना हो भाई ये कैसे हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी मुर्सी ट्राइब की महिलाओं को किस आधार पर खूबसूरत कहा जाता है। आपको बता दूं इनकी खूबसूरती इस बात से मापी जाती है कि आपके होंठ जो है वो कितने बाहर हैं। कहा जाता है कि महिलाएं अपने होंठों को बाहर लाने के लिए कुछ भी कर लेती हैं और इसी कड़ी में इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ आप ये देखिए कैसे इन्होंने अपने होंठ पर एक बड़ी सी मिट्टी की प्लेट लगाई हुई है ताकि इनके होंठ बाहर की तरफ निकल जाए। जो भी आप मिट्टी की प्लेट देख रहे हैं ना ये बहुत ही कम उम्र से इनके चेहरे पर लगा दी जाती है। क्या बात है यार। अब ये देखिए किस अंदाज में इन्होंने अपने होंठों पर मिट्टी की प्लेट लगाई हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों माना जाता है कि इन प्लेट के साथ साथ यहाँ की महिलाएं कई बार फेस्टिवल में गाना भी गाती हैं, कई तो इनके साथ डांस भी करती हैं। यही तो खासियत है यहाँ की महिलाओं की। द बिगर योर लिप्स इज द मोर ब्यूटीफुल यू आर। आप बने रहिए एंड तक हमारे संग, आगे बहुत कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ मैं आपको। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना उसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों ये है नामीबिया का एक ट्राइब जहाँ के लोग ऐसा मानना है कि जिसकी जितनी रेड स्किन होती है ना वो उतना खूबसूरत होता है। इसी के लिए यहाँ पर महिलाएं बचपन से ही अपनी स्किन पर एक ऐसा पेस्ट लगाती हैं जिससे कि कुछ सालों के बाद उनकी स्किन रेड हो जाती है। ये देखिए कैसे यहाँ की लड़कियों को भी यही लगता है कि वो तभी खूबसूरत लगेंगे जब उनकी स्किन से लेकर बाल सब कुछ रेड होगा, तभी इनको एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा। दोस्तों इसलिए यहाँ की जो महिलाएं हैं वो रेड पेस्ट की प्रैक्टिस रोज करती हैं। साथ ही आपको बता दूं यहाँ की लड़कियां रोज ही लाल पेंट लगाकर तेज धूप में बैठी रहती हैं ताकि इनकी स्किन इस कलर को ले ले और ये नेचुरली रेड कलर स्किन वाली बन जाए। अब ये देखिए कैसे यहाँ महिलाएं अपने चिन पर टैटू करवाती हैं। जी हाँ यही है इनकी पहचान। दिस इज लुकिंग अमेजिंग। तो दोस्तों दिखने में भी कमाल लग रहा है ये चिन पर टैटू। इस पूरे प्रोसेस को न्यूजीलैंड में मोको केओ कहा जाता है। कहते हैं जब भी किसी महिला की शादी होती है ना तो उसके कुछ सालों के बाद उसे इस तरह की परंपरा से गुजरना पड़ता है। आपको बता दूं ये जो भी आप इनका इंक टैटू देख रहे हैं ना ये कोई मशीन से किया गया नहीं है, ये बनाया गया है हाथों से। जी हाँ बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और साथ ही पेनफुल भी। दोस्तों दर्द तो होगा ही अगर कोई नेचुरल तरीके से टैटू बनाएगा। लेकिन आप जरा देखिए कैसे महिलाएं नजर आ रही हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है ये अपने टैटू को लेकर उतनी ही प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। माना जाता है कि जिस महिला का जितना मुश्किल टैटू होता है ना उसे उतना ही खूबसूरत माना जाता है। क्या बात है। हर देश में देखिए सुंदरता की अपनी अलग ही पहचान होती है। दूसरी समस्या हमारे देश में भी बहुत है, हालांकि आज मैं यहाँ पर पूरे एशिया की बात करना चाहता हूँ। आपको बता दूं व्हाइट स्किन की समस्या आज से नहीं बल्कि कई सालों से है, ये बात हम सभी जानते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा व्हाइट स्किन करने वाली कॉस्मेटिक चीजें मिलती हैं। अपनी स्किन को गोरा कैसे बनाए ये वो और लोग कॉस्मेटिक का सामान खरीदते भी हैं। सारी दोस्तों ये समस्या सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे एशिया में है। यहाँ पर आप किसी भी देश में चले जाइए आपको हर जगह गोरे होने के ब्यूटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारी हमारे मन के अंदर जिसे भगाने में कई साल लग जाएंगे, जो जितना गोरा वो उतना खूबसूरत। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको बता दूं इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि पुराने जमाने में जो लोग खेती में काम करते थे ना वो दिन भर धूप में खड़े रहते थे, मेहनत करते थे और इससे उनका रंग दब जाता था। लेकिन दोस्तों इसी माइंडसेट के भी कई लोग जी रहे हैं जिनका ऐसा मानना है कि जो गोरे हैं वो धनी होते हैं और जो काले होते हैं वो गरीब होते हैं। उम्मीद करता हूँ जल्द ही इस काले गोरे का फर्क समाज से खत्म हो सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ जापान की महिलाओं की सोच खूबसूरती के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी इस समय पूरी दुनिया जो है वो अपने दांतों को सही करने में लगी हुई है, लेकिन जापान की महिलाओं में याइबा बहुत ही पॉपुलर है। आप जानते हैं याइबा क्या चीज है? आपको बता दूं इस प्रोसेस के तहत यहाँ की महिलाएं अपने दांतों को नुकीला बनाती हैं। जी आप सोचिए कहाँ पूरी दुनिया चाहती कि उनके दांत में कोई तकलीफ ना हो, पूरी दुनिया यही चाहती कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, लेकिन जापान की मान्यता सबसे अलग है। आप ये देखिए यहाँ पर कैसे लड़कियां वैम्पायर जैसे दांत रखती हैं। क्या बात है यार। यहाँ पर भाई लड़कियों को नुकीले दांत चाहिए लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए। अब देखिए हर देश की अपनी एक अलग बात होती है, तो यही बात है भाई जापान की महिलाओं की। वैसे आपको नुकीले दांत वाली महिलाएं अच्छी लगती हैं या नहीं आप जरा कमेंट करके बताएं।
दोस्तों दुनिया भर की लड़कियां जहां पतले होने के बजाय न जाने क्या क्या करती हैं, तो वहीं मॉरिटोनिया की लड़कियां पतले होने को अच्छा नहीं मानती और ऐसा वहां माना जाता है कि इनसे कोई शादी नहीं करना चाहता। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, यहां पर लड़कियों को फैट स्कूल में भी भेजा जाता है ताकि थोड़ी मोटी हो सके और इनकी शादी हो जाए। आपको बता दूं, यहां के लोगों के मुताबिक जो लड़कियां जितनी मोटी होंगी ना, वो उतनी ही कमाल की लगती हैं। अब अभी बताइए, यहाँ तो भाई उल्टी ही गंगा बहती है। आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर लड़कियों को फैट स्कूल में बहुत सारा खाना खिलाया जाता है ताकि वो मोटी हो जाए और उसके बाद उनसे कोई शादी कर ले। लेकिन दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं, ठीक तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आप कब तक लड़कियों को खिला खिला कर बीमार करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर देश की अपनी एक कहानी है, तो ये भी उन्हीं कहानियों में से एक है। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, दिस इज वेरी डिफरेंट। आपको जानकर हैरानी होगी, म्यांमार की महिलाएं अलग ही तरह की सुंदरता पर यकीन करती हैं और उसे कहते हैं एलोंगेटेड नेक्स, यानी कि पतली गर्दन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ की महिलाएं अपने गर्दन में मोटे से रिंग पहन लेती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आखिर ये महिलाएं इतना पीन क्यों दे रही हैं अपने आप को? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। दोस्तों वजह बिल्कुल साफ है और वो ये है कि यहाँ पर उन्हीं महिलाओं को खूबसूरत माना जाता है जिनकी गर्दन पतली होती है, वो भी इतनी पतली कि आप पूछे ही नहीं। यहाँ पर उन्हीं को खूबसूरत माना जाता है जिनके पास पेंसिल जैसी पतली सी गर्दन हो। हालांकि दोस्तों इसके लिए ये बचपन से ही अपने गर्दन में मोटी मोटी रिंग्स पहनती हैं और इसकी वजह से कई बार इन्हें परेशानी भी होती है, कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ की महिलाएं कहाँ मानने वाली हैं, यहाँ की एक अलग ही परंपरा है। महिलाएं तो बस ये सोचती हैं बस इनके हस्बैंड इनसे प्यार करें। जो बॉलीवुड का गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, मुझे लगता है कि गाना बिल्कुल फिट बैठता है म्यांमार की महिलाओं पर। ये सब कुछ त्याग देती है अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा भी क्या करना जिसमें आपको तकलीफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी उनकी मान्यता है, वो जो चाहे वो करें। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा देश हमारे बीच जहाँ के लोग नोज यानी कि नाक पर आपको हमेशा बैंडेज लगाए हुए दिखाई देंगे? जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम है ईरान। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश की महिलाएं और पुरुष दोनों ही कई बार नोज की सर्जरी करवाते हैं। यहाँ पर आपको हर 10 में से 8 लोग ऐसे दिखी जाएंगे जिन्होंने नोज सर्जरी करवाई होगी। कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं सिर्फ अपने चेहरे की नोज ही दुनिया को दिखा सकती हैं और इसी से वो अपनी खूबसूरती का परिचय देना चाहती हैं। आपको बता दूं, महिलाएं तो महिलाएं, लेकिन यहाँ पे पुरुष भी नाकों को अलग अलग शेप देते रहते हैं। उनका भी ऐसा कहना है कि वो अपनी लंबी नाक से दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते हैं। यहाँ की मान्यता दोस्तों बहुत ही अजीब सी है, जिसके जितनी बड़ी नाक वो उतना खूबसूरत, खूबसूरती का राज। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, फ्रांस की महिलाएं अपने आप को बिना मेकअप को रखने को ही सबसे अच्छा मानती है। यहाँ जो महिलाएं कोई मेकअप नहीं करती ना, उन्हें जॉली लेडी कहा जाता है। क्या बात है यार। कहते हैं दोस्तों, जब भी कोई महिला मेकअप के बिना निकलती है ना, तो उसे सबसे खूबसूरत मानते हैं। लगता है फ्रांस में महिलाएं बिना मेकअप की अच्छी लगती होंगी, क्या वो नेचुरल ब्यूटी होती होंगी? दोस्तों ये बात तो तय है, जिसे भगवान ने जैसा बनाया है वो स्पेशल है। कभी भी किसी इंसान को अपने चेहरे पर गुमान नहीं करना चाहिए और जो फ्रांस के लोगों ने किया है कि वो बिना मेकअप के निकलती है, वही एक्चुअली में मोस्ट ब्यूटीफुल है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कम से कम दुनिया का एक देश नेचुरल ब्यूटी है। आपको बता दूं, वैसे इस देश को फैशन कैपिटल कहा जाता है और यहाँ पर कोई लड़की मेकअप नहीं करती। दैट इज ट्रूली अमेजिंग यार। सब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे भाई ये क्या चीज है। दोस्तों आपको बता दूं, चाइना देश की बात ही अलग है। वही यहाँ के लोग ऐसा मानना है कि जिसके जितने पतले और जितने छोटे पैर होंगे ना, वो उतना ही अच्छा और खूबसूरत होगा। जी हाँ, आप ये देखिए यहाँ का नजारा। आपको बता दूं, इसकी शुरुआत 1800 शताब्दी में हो गई थी, जब यहाँ के किंग ने ऐसा कहा था कि वो अपने पैरों को एकदम डॉल की तरह बनाना चाहते हैं। उसके बाद क्या होना था दोस्तों, आप ये देखिए, किंग के बाद समाज के लोग भी इसको फॉलो करने लग गए और आज हालत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वैसे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि टाइनी फिट के कॉन्सेप्ट की वजह से महिलाएं और पुरुष दोनों ही लगभग अपना पैर बर्बाद कर चुके हैं। कहा जाता है कि टाइनी फिट की वजह से कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है, उनके पैर जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों चाइना देश है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं चलता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप तक मेरी सभी वीडियोस पहुंचती रहें और आप उनको देखते रहें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।